है गाइस, वेलकम टू माय चैनल बैडमिंटन लॉर्ड 1217। आज हम करने जा रहे हैं 100 की तरफ से आने वाला बैडमिंटन सूज ब्लेड। चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस शूज में और भी कलर अवेलेबल थे, मैं इस शूज का बाय लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए अब करते हैं इसका रिव्यू। 100 एक न्यू कंपनी है। फर्स्ट लुक में शूज में तो काफी अच्छा लगा। चलिए स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें ऑन ताकि हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और रिव्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर ओल्ड है तो करें लाइक शेयर कमेंट। सबसे पहले बात करेंगे इसके कुशन की, तो इसमें 100 ने एक्स कुशन का यूज़ किया हुआ है। मुझे लगता है कि ये एक्स कुशन ट्रू कुशन को बीट कर सकता है क्योंकि ये एक्स कुशन एक्स्ट्रा कंफर्टेबल एक्स्ट्रा कुशनिंग है। इस शूज़ में 100 ने PU फैब्रिक का यूज़ किया है जो कि शूज़ को एक्स्ट्रा ड्यूरेबल बनाता है। 100 ने इस बार अपने शूज़ में एक्टिव ग्रिप का यूज़ किया है जो कि एक रबर सिंथेटिक ग्रिप है। 100 ने तो इस शूज़ को पेपर फैमिली हाउस बना रखा है। शूज़ का इनसोल कुशन तो काफ़ी कंफर्टेबल है गाइस। इसका जो इनसोल कुशन है ये हमें जंप लेके लैंडिंग करने में काफ़ी हेल्प करता है। और गाइस इसका जो मिड सोल कुशन है इसमें ये एक्स कुशन का यूज़ किया हुआ है गाइस, जो मेरे हिसाब से तो ट्रू कुशन को बीट कर सकता है क्योंकि ये काफ़ी कंफर्टेबल है गाइस। ये शूज़ काफ़ी लाइट वेट एंड काफ़ी कंफर्टेबल। इस शूज़ के मिड में कार्बन प्लेट का यूज़ किया है जो कि शूज़ को बेंड होके ख़राब होने से रोकता है और बेंड नहीं होने देता। शूज़ में हील सपोर्ट की बात की है तो हील सपोर्ट इसमें 2 इंच का हील सपोर्ट दे रखा है जो कि शूज़ जो कि इंजरी के चांसेस को काफ़ी कम कर देता है और फुट को एक प्रॉपर शेप में एडजस्ट करता है। हील सपोर्ट गेम प्ले के टाइम एंकल ट्विस्ट होने के चांसेस को काफ़ी कम कर देता है और जंप लेके लैंड करने में काफ़ी हेल्प करता है ताकि हम एक प्रॉपर जंप लेके प्रॉपर लैंड कर सकें। 100 ने इसमें एक्टिव ग्रिप का यूज़ कर रखा है। 100 इस ग्रिप को एक्टिव ग्रिप कहता है और योनस इसी ग्रिप को हैक्स ग्रिप कहता है। दोनों ग्रिप सेम ही है। ये एक्टिव ग्रिप एंटी स्किट एक्टिव ग्रिप है। बात करें जिसकी मैच की तो इसमें PU क्लॉथ फैब्रिक मैच दे रखा है जो कि स्वेटिंग टाइप काफ़ी हेल्प करता है ताकि बाहर निकल सके। ये बैडमिंटन शूज़ मेड इन इंडिया बैडमिंटन शूज़ है। 100 ने शूज़ में अपनी ब्रांडिंग साइड में दे रखी है और इस शूज़ का मॉडल नेम फ्रंट में दे रखा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं गाइस। इस शूज़ का बाय लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके इस शूज़ को वहाँ से बाय कर सकते हैं। सो गाइस चलते हैं कोर्ट ताकि हम इस शूज़ का टेस्ट एंड ट्रायल कर सकें और फिर मैं आपको इस शूज़ के बारे में पर्सनल ओपिनियन शेयर कर सकूँ और इस शूज़ को रेटिंग दूंगा। ये शूज़ मुझे काफ़ी सही लगा। जो इसका बजट है अंडर 2500, इस पे ये शूज़ एकदम परफेक्ट शूज़ होगा इंटरमीडिएट लेवल के लिए और साथ ही ये काफ़ी कंफर्टेबल है। इनिंग काफ़ी कंफर्टेबल है और मिड सोल EVF फोम मिड सोल है। सो गाइस मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से ये शूज़ एक परफेक्ट इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल शूज़ है क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ है गाइस। जो ये इसकी एक्टिव ग्रिप है ये एकदम एक परफेक्ट ग्रिप होगी बैडमिंटन शूज़ के लिए क्योंकि ये कोर्ट पे एकदम परफेक्टली वर्क करती है गाइस, क्योंकि ये ग्रिप बिल्कुल भी स्किड नहीं हो रही। मैं शूज़ को 10 out of 8 रेटिंग दूंगा गाइस क्योंकि ये एकदम परफेक्ट बैडमिंटन शूज़ है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।